दोस्तों मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसमें मैं अपना ओपिनियन अपना विचार शेयर करता हूँ, अपना अनुभव शेयर करता हूँ। इसके आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन न करें। दोस्तों जो लोग नए होंगे जो पुराने होंगे उन्हें तो मालूम है मेरे वीडियो चैनल YouTube चैनल का जो वीडियो सेक्शन है उसको विजिट जरूर करें, उसके उससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और जो पुरानी वीडियोज है मुझे मेरे द्वारा बनाया गया उसका आज के डेट में क्या मेरा ओपिनियन सही साबित हुआ है गलत साबित हुआ है उसको जरूर जाँच परख कर लें, तभी कोई अपना विचार बनाए। दोस्तों आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूं इस पर मैंने पहले कई वीडियोज़ बनाई है और लगातार इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की सलाह दी थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस कंपनी का नाम है दोस्तों जिंदल सौ लिमिटेड। जिंदल सौ लिमिटेड का जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था वो फरवरी 2022 में बनाया था 80 रुपया 60 पैसा पे, 80 रुपीज़ 60 पैसे पे मैंने वीडियो बनाया था स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन के साथ। और इसका जो वीडियो है 17 फरवरी को रिलीज़ किया था मैंने, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैंने कहा क्या है। अब सबसे पहले कुछ लोग नए भी होंगे तो बता दूँ कि यह कंपनी करती क्या है। इसका नाम है SAW 100, जिंदल 100। 100 मतलब होता है सब मर्ज आर्क वेल्डिंग पाइप्स। ये सब मर्ज आर्क वेल्डिंग पाइप में सभी वेराइटी की पाइप्स बनाती है। मूल रूप से यह हर तरह के पाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और जिंदल ग्रुप की जानी मानी कंपनी है। जिंदल ग्रुप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसमें जो ये पाइप बनाती है ये पाइप मूल रूप से इरिगेशन में, वाटर सप्लाई में, गैस सप्लाई में यूज होता है। इसका एसेसरीज भी कंपनी बनाती है और इसके जितने भी प्लांट्स हैं वो सब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं। स्टेट ऑफ आर्ट इसमें होता है इंटीग्रेटेड एंड टू एंड प्रोडक्ट जो है इनसाइड द कंपनी प्रीमाइसेस ही बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। साथ ही साथ ऐसे कंपनी में जो बिजली का खपत होता है उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती है बेहतरीन होती है, मतलब ये बेहतरीन प्लांट कह सकते हैं उसको, स्टेट ऑफ आर्ट कहते हैं। और इंटीग्रेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इस तरीके की प्लांट्स आती हैं इसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि आज मूल रूप से मैं बात करूँगा 25 तारीख को इसका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट का एनालिसिस करूँगा, लेकिन बेसिक चीज़ें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें पता होनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है। रिजल्ट में जाने के लिए सबसे पहले फिनेंशियल ब्रीफ देख लेते हैं। आज जो कंपनी है पूरा मार्केट क्रैश कर गया था अदानी ग्रुप के क्राइसिस के कारण। अदानी ग्रुप में क्राइसिस क्या है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, उसका अलग वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी इसके बावजूद इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है जिंदल सौ का जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, उसके कारण यह आज लगभग 6% के आसपास बढ़ा हुआ था। 117 रुपया के आसपास में यह क्लोज हुआ है, 116 रुपया 50 पैसा में। इस रेट पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,718 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है। बुक वैल्यू 235 रुपीज़ है। नॉर्मली जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं लाइक रिलायंस हो गया, अदानी भी है, ONGC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ICICI, ये सभी तरह के जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनका जो मार्केट प्राइस होता है वह देखिएगा बुक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता है, अर्थात उसकी डिमांड काफ़ी रहती है तो बुक वैल्यू से ज़्यादा ही उसका प्राइस हमेशा रहता है। लेकिन जिंदल सौ इतनी अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, इतने अच्छे ग्रुप की कंपनी होने के बावजूद इसका प्राइस है 116 रुपीज़ के आसपास और इसका बुक वैल्यू 235 रुपीज़ है। बेहतरीन वैल्यूएशन पे कंपनी आज भी ट्रेड कर रही है और यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है इसमें निवेश करने की। कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है, इसका डिविडेंड यील्ड जो ईयरली है 1.82% के आसपास है। कंपनी का जो अभी पी है 16.99 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो
पी पिछले वैल्यूएशन के आधार पर है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद इसका पी रेशियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। कंपनी के पास 516 करोड़ के आसपास कैश उपलब्ध है, जो अच्छा खासा आज के डेट में कहा जा सकता है, क्योंकि हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कंपनी के पास 4,172 करोड़ के आसपास डेट है, तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से डेट को मैनेज कर रही है, और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.58 है, 0.58 जो इसने रिजल्ट में घोषित किया है, जो वो 0.58 है। और आपको मालूम है, मेरे साथ जो पुराने दर्शक हैं उन्हें मालूम है कि डेट इक्विटी रेशियो 1 से जिसका नीचे होता है वह कंपनी अच्छी मानी जाती है, और डेट जितना कम होता है वो भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन जितने ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं उनमें डेट तो होता ही है, बिना डेट के बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, तो उसमें इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.58 है, तो काफ़ी फेवरेबल है। इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा मार्केट पकड़ है, और एक्सपोर्ट से लेके इंपोर्ट तक, डोमेस्टिक मार्केट तक, सभी जगह इसका बिजनेस है, इसके बावजूद इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है मात्र 0.58 है, जो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू पिछले फिनेंशियल ईयर का देखिएगा तो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है। अब हम आपको तीन क्वार्टर का विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर क्वार्टर जो अभी इसने रिलीज किया है, इसमें 4,640 करोड़ रुपया इसका टोटल रेवेन्यू आया है। ध्यान रखिएगा 4,600 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव। ये जो पिछले क्वार्टर सितंबर 2020 का जो रिजल्ट था वो 3,300 करोड़ के आसपास था, जिसमें आप समझिए कि मोर देन 1000 करोड़, 1300 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जंप किया है, बेहतरीन जंप है। और दिसंबर 2021 मतलब इसके रेस्पेक्टिव क्वार्टर का देखेंगे तो 2700 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था। ये इसके हिसाब से भी लगभग 80% के आसपास रेवेन्यू जंप है, बेहतरीन रिजल्ट दिया है कंपनी ने। और इसका एक्सपेक्टेशन मैंने अपने सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस जो किया था, डीप फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि भविष्य में इसका ऐसा होने की संभावना है। कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन पे अच्छी खासी रकम खर्च कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट देखिएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर क्वार्टर, दिसंबर 2022 में 265 करोड़ का इसने रेवेन्यू प्रॉफिट दिया है, सेप्टेम्बर 2022 में 61 करोड़ का दिया है, और दिसंबर 2021 में 14 करोड़ का दिया है। तो कंटिन्यू आप देखिएगा तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, अर्थात कंपनी जो है ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाने में कामयाब रही है। कंपनी के बहुत सारे सब्सिडियरीज भी हैं जो अलग अलग नाम से काम कर रही है, उनका भी लगभग टोटल जो बिजनेस है वो लगभग 2200 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में हुआ है। तो देखिए कंपनी मात्र 3,700 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है, लगभग इसका 8,000 करोड़ या 9,000 करोड़ के आसपास तो सिर्फ सब्सिडियरी का बिजनेस है। कभी भी कंपनी डिमर्ज होगी तो आपको माला माल कर देगी उस कंपनी सबको, अगर इसमें से दो कंपनी एक कंपनी लिस्ट करेगी तो उसका पैसा भी देगी कि नहीं, उसको बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग, तो वो भी है। कंपनी का खुद का लगभग 4,500 करोड़ का रेवेन्यू दिया है इस क्वार्टर में। अगर इस रेवेन्यू को भी ये अगले तीन क्वार्टर चार क्वार्टर मेंटेन करती है तो 16,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा इसका EPS जो है 8.36 रुपये दिया है, जबकि पहले से पिछले क्वार्टर में 1.93 रुपये के आसपास था, और इस दिसंबर क्वार्टर में मतलब दिसंबर 2021 में मात्र 50 पैसा के आसपास था। तो आप देखिए कि एनालिसिस कैसा रहा है मेरा, इस पर ज़रूर लाइक बटन दबा के मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि मैं ऐसे ऐसे बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी भी आपके लिए खोज पाऊँ। मुझे मालूम है ब्लू चिप कंपनी का जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, बहुत कम भी आते हैं। इसके बावजूद मैंने जो भी अभी तक ब्लू चिप कंपनियों के वीडियो बनाए हैं वो सब बेहतरीन रहा है। जैसे रिलायंस का वीडियो हम बनाए थे, टाटा केमिकल्स का बनाए थे, उसके बाद अदानी पावर का बनाए थे, वेदांता का बनाए थे, और भी बहुत सारी थी, तो वो आप जिंदल सौ तो एक है ही, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये सारे वीडियो सेक्शन में उपलब्ध हैं, जो आपको बताएंगे कि मैंने जो एनालिसिस की थी वो क्या रहा और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो मेरे कहे सुने पे मत जाइए, वीडियो देखिए, उसके प्राइस को कंपेयर कीजिए उस समय के प्राइस से आज के प्राइस से, उसके बाद ही
आप लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, कमेंट करिए, ठीक है ना। और आलोचना करना हो तो आलोचना जरूर करिएगा। और जो दर्शक बने हुए हैं अभी तक, उनको मैं बता दूं कि जो नए दर्शक हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप मेरे साथ बने रहें। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं, बट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी एनालिसिस देता हूं, तो आपको वो मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ अपना भी कोई अगर विचार होगा या कोई जानकारी होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरा सौभाग्य होगा उसके साथ जाने का। फटाफट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले एक साल से 63% के आसपास बनी हुई है। FIIs की होल्डिंग इसमें लगभग 11% के आसपास है। DIIs की होल्डिंग जो है 0.9% के आसपास है। और पब्लिक के पास जो है 25% के आसपास इसका शेयर होल्डिंग बना हुआ है। और इसके साथ आपके लिए बेहतरीन है, इस रिजल्ट के बाद भी अभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ से लगभग लगभग डबल होने के चांसेस का बने हुए हैं, लेकिन चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इस बीच में जो भी अपडेट्स आते हैं उसके आधार पे वैल्यूएशन भी चेंज होते रहता है और उसका कंडीशन भी चेंज होते रहता है। तो हमेशा न्यूज़ से अपडेट रहें, मेरे से रहें या किसी और से रहें, लेकिन रहें जरूर, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।